कैसे है सब लोग? ठीक सर। ओ नमस्कार जी, सर। ट्रेन हाँ के साथ नमस्ते नमस्ते। ही कैसा नहीं आई। चल रहा काम सबका? अच्छा चल रहा है चल सर। रहा है सर। जी। ठीक है, अभी ज्वाइन दो तीन लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करते ही हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस हमारा। वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम शाकिर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों सर को? ठीक है। ठीक है, एक डेड मोबाइल में क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, हम देखेंगे। ठीक है, आज जो देखने वाले हैं हम, एक क्वालकॉम बेस्ड हैंडसेट में देखेंगे। ठीक है, एमटीके में फिर बाद में बताऊंगा। क्वालकॉम सीपीयू का चेकिंग प्रोसेस चेक करेंगे, क्या क्या आपको चेक करना है। तो यहाँ पे कौन है वही वेटिंग में? आवाज नहीं आ रहा मेरा? त्रिपति आ रहा सर। आ रहा है? ठीक है, तो एक डायग्राम लिया हूं मैं रेडमी 8A का, पहले इसमें समझते हैं। या आप कोई भी बताइए, क्वालकॉम सीपीयू का किसी में भी देख सकते हैं। इसमें सिंगल पावर है इसलिए मैं ये लिया हूं। चेकिंग प्रोसेस डबल पावर का भी सिमिलर ही रहेगा, आपको वही सारी चीजें चेक करनी है। पहले सिंगल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, चलिए समझते चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर से भी देखना है आपको कुछ चीजें, और कुछ चीजें आपको डीसी से चेक करना है, डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, दो। और तीसरा जो आपका चार्जर मीटर आता है ना, 6 पोर्ट, ठीक है, तीनों में भी आपको देखना है। कोई भी एक चीज आप लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं किसी भी मोबाइल की। तो मल्टीमीटर से हम क्या देखते हैं? ठीक है, मल्टीमीटर से हम करेंगे कूल टेस्टिंग। अब कूल टेस्टिंग कहाँ कहाँ पे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कूल टेस्टिंग में हम जो चेक करते हैं उसको बोलते हैं जीआर या वैल्यू। ठीक है, कि ट्रैक हमारा सही है या फिर शॉर्ट हो चुका है या लीकेज कंडीशन में है। ठीक है, या ओपन हो चुका है, ब्रेक हो गया है या शॉर्ट हो गया है, या फिर कुछ वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज हम चेक करते हैं। तो सबसे बड़ा हथियार है हमारा मल्टीमीटर। इन सबसे परफेक्ट हथियार रहता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आपको चलाना आ गया, समझिए आप आधा काम आपका ऐसा ही हो गया। उसके अलावा डीसी मशीन हमको सपोर्ट करेगी और आगे जा करके, और कुछ कुछ फोनों में आपको चार्जर 6 पोर्ट से आपको चेक करके अंदाजा लगाना है। ये वाले का एक्यूरेट नहीं रहता है। ठीक है, ये वाला बहुत बार फेक भी बताएगा आपको। सीपीयू एमएमसी नहीं भी रहेगा तो 2 एम्पियर लेगा ये। ठीक
ठीक है, 2 एम्पियर चार्जिंग लेगा। सीपीयू शॉर्ट होगा तब भी एक एक से 1.5 एम्पियर चार्जिंग लेगा। आप समझेंगे चार्जिंग तो ले रहा है, मेरा मोबाइल तो ऑन नहीं है। तो इसके ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करना है आपको। ये दो चीज आपको हमेशा परफेक्ट बताएंगे आप, दोनों में, मल्टीमीटर और डीसी से। सबसे ज्यादा आप यूज करिए मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर में मैं कुछ टेस्ट पॉइंट बताऊंगा आपको इजी इजी वे में। वहां वहां पे आपको फुल टेस्टिंग करना है, उसके बाद में हॉट टेस्टिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, फुल टेस्टिंग। फुल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करते हैं, सॉरी रेड प्रोब को ग्राउंड करते हैं और ब्लैक प्रोब से चेक करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस, उल्टा चेक करना। रेड ग्राउंड कर देते हैं और ब्लैक से चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल जाता, ट्रैक हमारी शॉर्ट तो नहीं है, या लीकेज तो नहीं है, या ओपन तो नहीं है, या फिर ट्रैक हमारा क्या रहेगा लास्ट में, ओके कंडीशन, ठीक है। इतने सारे कंडीशन बन सकते हैं इसमें, तो इसमें आपको सारी चीजें चेक करना है। तो फर्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हम चेक करेंगे बैटरी का कनेक्टर, जहां पे हम लाइन को बोलते हैं वी बैट। वी बैट का क्या देखोगे आप, जीआर। कितना जीआर देखोगे, 250 से लेकर के यहाँ पे आना है 650 के आसपास। अब अगर आप कुछ लेटेस्ट सेटों में देखोगे तो 850 तक भी आपको वैल्यू मिलता है। ये जीआर हमारा ब्लैक से चेक करने पे मिलना चाहिए, बीएलएसी के ब्लैक, बीएलए ब्लैक प्रोब से चेक करने पे। उसके बाद अगर आप रेड प्रोब से चेक कर रहे हो तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, जीआर ओएल आना चाहिए। ओएल अगर नहीं आया तो और क्या आ सकता है, प्लस 1000, मतलब 1100, 1200, 1500, ऐसा 1600, 1700 तक मिल सकता है। तो इसको हम ओके कंडीशन मानेंगे। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है हमारा, कहाँ पे बैटरी कनेक्टर, चले आ जाते हैं पीसीबी में, इसका एटे का कंपोनेंट वाला खोल लेते हैं। मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, अच्छे से एक बार देख लीजिए, सारा स्टेप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये हमारा बैटरी कनेक्टर, तो एक साइड ग्राउंड है, तो वी बैट वाली टेस्ट पॉइंट यहाँ पे है वी बैट का। तो यहाँ पे आपको जीआर चेक करना है रिवर्स में और फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे हमारे को जो चाहिए उतना ही वैल्यू चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब कई बार एक साइड तो हमारा 250 से ही आ जाता है, ठीक है, पलटा के अगर चेक करेंगे यहां पर भी 250 मिल रहा है, मतलब इसको बोलेंगे अपन हाफ शॉर्ट या लीकेज कंडीशन। इसमें दो तरफ सेम सिमिलर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, या फिर पहले वाले में ज्यादा वैल्यू आ रही है और दूसरे वाले में कम वैल्यू आ रही है, ठीक है। सेकंड साइड हमेशा ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, मतलब जब रेड प्रोब से आप चेक करोगे तो जीआर वैल्यू हाई रहनी चाहिए। यहां पे लिख देता हूं मैं एचआईजीएल, रेड प्रोब में हाई रहेगी, ब्लैक में क्या रहेगी, हमेशा लो रहेगी, याद रख लीजिए। रेड में या तो ऑयल आ जाएगी या तो आपकी आनी चाहिए हाई, ठीक है। अगर यहां पर वैल्यू अगर कम आ रही है, 250 तो आपका ब्लैक से आ रहा था और रेड से आ रहा है आपका 150, यहां पे हो गया लीकेज कंडीशन। 250 भी अगर आ जाए तो भी लीकेज कंडीशन, ठीक है। 1000 से ज्यादा आना चाहिए, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, 300 आ रहा है, 800 आ रहा है, 600 आ रहा है, तो भी लीकेज कंडीशन। यहाँ पे 1000 से ज्यादा आना या नहीं तो कुछ नहीं आना चाहिए, जब लाल कलर के प्रोब से आप चेक करोगे। कहाँ पे चेक कर रहे हैं हम, ये बैटरी के कनेक्टर पे, वी बैट में। यही चीज हम डीसी से भी, यहाँ पर अगर डायरेक्ट 4 वोल्ट करेंट देंगे तो डीसी मशीन ऑटो एम्पियर लेगा, ऐसे लीकेज वाले कंडीशन में ऑटो क्या लेगा, एम्पियर लेगा। कितना भी ले सकता है वो, जितना ओम्स का शॉर्टिंग रहेगा उतना वो एम्पियर लेगा, जितना अगर फुल शॉर्ट रहेगा तो पूरा का पूरा 5 एम्प्स पूरा ले लेगा, फुल शॉर्ट अगर रहेगा तो इतना का इतना पूरा ले लेगा। तो अपने को यहाँ पे पहले चेक कर लेना है कूल टेस्टिंग। ये हमारा ओके वाला जीआर है, ये सारा याद रख लीजिए। फर्स्ट वी बैट चेक करने के बाद ज्यादातर वी बैट लाइन शॉर्ट नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अभी के मोबाइल में ज्यादातर लाइन मिलेगी वीपीएच, जिसका दूसरा नाम है VSYS, और सैमसंग बोलेगा इसको बैट सिस, ठीक है। यहाँ पर 3.6 वोल्ट आना चाहिए और जीआर जो रहेगा हमारा सेम वीपीएच में जितना जीआर आता है वही जीआर यहाँ पे आएगा, 250 के आसपास जीआर वैल्यू होनी चाहिए। और रिवर्स में चेक करेंगे तो ओएल आना चाहिए, यानी तो प्लस 1000 के ऊपर आ सकता है। तो ये हमारा ओके कंडीशन है।
तो वीबैट लाइन ज्यादातर आपकी वीपीएच लाइन जो है आपकी हमेशा हो जाती है ज्यादातर शॉर्ट। ठीक है, वीपीएच अगर शॉर्ट हो जाए तो यहाँ पर वीबैट में डीसी में लीकेज बताएगा। ये तो लीकेज हम देख रहे थे अभी, ये वाला लीकेज कंडीशन जो हमारा इस तरीके का वैल्यू आता है वीबैट में कब बताएगा, जब वीपीएच हो जाएगा। कुछ कुछ मोबाइल में बहुत सारे ओवीपीआईसी लगे रहते हैं, इस वजह से वीबैट में लीकेज भी नहीं बताता है। तो आपको डायरेक्ट जाकर वीपीएच की लाइन में चेक करना है। वीपीएच कहाँ चेक करोगे आप, चार्जिंग आईसी के पास में जो हमारा चार्जिंग का कॉयल रहता है 1UH का, ठीक है, 1 माइक्रो हेनरी का कॉयल, जिसको हम वीपीएच कॉयल बोलते हैं, जहां पे आपको 3.6 का वोल्ट का वोल्टेज आता है। तो अब ये कॉयल आपको अगर से नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे है, चार्जिंग आईसी के पास आना है। अब ये एक मॉडल है, चार्जिंग आईसी कहाँ है भाई इसकी, एटे की चार्जिंग आईसी यहाँ पे लगी है, ये हमारी पीएमआई 632 है, लाइट वो सॉरी ग्राफिक भी एच है, चार्जिंग भी एच है। तो यहाँ पे एक कॉयल लगा है, ये हमारा चार्जिंग का कॉयल है। तो अब कॉयल पे चेक नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पे साइड में एक बूट कैप रहता है। तो कहाँ पे आ जाएंगे, डायग्राम में आ जाएंगे, पहले तो आईसी के पास जाएंगे। ठीक है, चलिए आईसी के पास जाते हैं, और वीपीएच लाइन आपको पावर एसी के पास भी आप चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। ये हमारी चार्जिंग एसी, ये कॉयल नंबर ले लेंगे 110 जो भी नंबर है, डायग्राम में आएंगे डालेंगे इस तरीके से, ये देख सकते हैं ये चार्जिंग का हमारा कॉयल। ये कॉयल के पास में ये वाले किसी भी एक कैपेसिटर को आप चेक करिए, अगर बीप आ रही है मतलब वीपीएच लाइन हमारी शॉर्ट हो गई। तो ज्यादातर ये लाइन शॉर्ट हो जाती है, तब क्या करना है आपको, ये कॉयल को हटाना है और हटा कर चेक करना है, इस साइड शॉर्ट है मतलब आईसी के साइड शॉर्ट है, अगर इस तरफ शॉर्टिंग है मतलब पूरा पीसीबी भी शॉर्ट है आपका, कहीं पे भी शॉर्टिंग हो सकती है। ये देखिए ये वाला कॉयल हमारा, ये सिरा है आईसी के साइड, अगर कॉयल हटाने के बाद इस तरफ शॉर्टिंग मिल रही है मतलब क्या शॉर्ट हो सकता है आपका, चार्जिंग का आईसी में। ठीक है, अगर इस साइड में अगर शॉर्टिंग आ रही है मतलब इन लाइनों में से कहीं पे भी आपका शॉर्टिंग हो सकता है। यहाँ पर कोने में भी कुछ कंपोनेंट दिया, देखिए यहाँ पर, और ये कंपोनेंट की सप्लाई इधर 4GPA में जा रही है, मतलब 2GPA में भी जा रही है। तो ध्यान रखना है आपको, ये अगर पीए भी अगर शॉर्ट हो जाए तो भी ये लाइन शॉर्ट बताएगी, कहीं पे भी हो सकता है ये शील्ड के अंदर। तो हम ये लाइन की शॉर्टिंग कैसे हटाते हैं, इसके ऊपर पूरा रोजन डाल देते हैं, धुआं डाल देते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, ये वाली शील्ड नहीं हटाते, सॉरी किधर गया, जितने भी जगह पे जा रहा है पहले सब जगह पे रोजन लगाना है। अब बाद लोग क्या करते हैं, ये एपीटी का शील्ड नहीं निकालते या 4GPA का शील्ड नहीं निकालते या फिर वन साइड ही चेक करते रहते हैं, यहाँ पे 2GPA में भी जा रही है, 4GPA में भी जा रही है, एपीटी पावर में भी जा रही है। तो सारे के सारे शील्ड आपको निकालना है, ये वाली शील्ड भी निकालनी है, इसमें भी जाता है वीपीएच, इसमें भी जाता है वीपीएच, इसमें से तो ऑटी होता है, और फिर इधर भी जा रहा है, इस वाली आईसी में जा रहा है। अब पावर आईसी के पास देखोगे आप तो ये जो कैपेसिटर दिख रहे हैं ये पूरे वीपीएच कैप है, आप यहाँ सेम 4 वोल्ट मिलेगा इनपुट आईसी के लिए। तो यहाँ पे भी आप 4 वोल्ट डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले शील्ड निकालना होगा, शील्ड तो लगी होगी आपकी। फिर यहाँ पर लाइट आईसी है, यहाँ पे भी जाएगा वीपीएच का 4 वोल्ट, तो आपको वीपीएच में सबसे ज्यादा शॉर्टिंग मिलेगी आपको। ये हमारा लाइट का वीपीएच, ठीक है, यहां से इधर जुड़ा है, यहां से इधर जुड़ा है, दोनों साइड, ये कॉइल आपका दोनों साइड जुड़ा होता है। तो ये हमारा वीपीएच का था सप्लाई। तो सेकंड आपको चेक करना है वीपीएच, सबसे ज्यादा शॉर्ट हो जाता है वीपीएच। तो वीपीएच का शॉर्टिंग बहुत आसानी से हट भी जाता है रोजन वगैरह लगाने से आप। तो यहाँ पे कॉइल हटा करके आपको क्या करना है, रोजन लगा करके ये वाला कॉइल निकाल देना है, निकाल करके ही यहाँ पर 4 वोल्ट वीपीएच का देना है आपको, या यहाँ पावर के पास भी दे सकते हैं आप। कभी कभार क्या होता है, हम यहां से देने की कोशिश करते हैं इतनी दूर से, ठीक है, तो बीच में अगर से कुछ डायोड वगैरह लगे हैं, ठीक है, बीच में सीरीज में डायोड, बीच में पैरेलल में हाई वैल्यू के डायोड्स रहेंगे तो वो वोल्टेज पूरा का पूरा नहीं जाता और आईसी गर्म नहीं होती। तो इसीलिए आगे भी जाकर के डायरेक्ट यहाँ पे दे देना, अगर पावर को चेक करना है तो पावर के पास दे दो यहाँ पर 4 वोल्ट, वीपीएच का 4 वोल्ट और आपका 4 से 5 एम्पियर रहता है, तो यहाँ पर 4 से 5 एम्पियर पूरा दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आईसी खराब नहीं होगी। और ये लाइन कभी भी सीपीयू में नहीं जाती है, याद रख लीजिए, ये देखिए सीपीयू आपका ईएमएमसी में दोनों में नहीं जाती है लाइन, किसी भी मॉडल में वीपीएच का सप्लाई
यहाँ नहीं जाता है। पुराने मॉडल में वीपीएच का सप्लाई ना यूज करके वीबैट वाली सप्लाई हमारी जो है आपके पूरे मोबाइल में जाया करती थी, लेकिन अभी इसमें वीपीएच का सप्लाई आ गया। माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी। तो सेकंड हम वीपीएच लाइन चेक कर लिए, मतलब दोनों लाइन में शॉर्टिंग नहीं रहना है। अब दोनों लाइन में शॉर्टिंग नहीं है तो थर्ड हम चेक करेंगे नियर बाई सीपीयू, सीपीयू एंड ईएमसी है तो ईएमसी, यूएफएस है तो यूएफएस के बाद क्या करेंगे, नियर ऑल कैप्स को चेक करना है आपको कि कैप के अंदर कोई एक शॉर्ट तो नहीं है। तो सीपीयू ईएमसी यूएफएस के पास कैपेसिटर्स चेक करना है, शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। शॉर्टिंग का मतलब होता है बीप के साथ, क्या होता है बीप प्लस 00 का क्या आएगा वहां पर जीआर आएगा, समझ रहे आप, मतलब फुल शॉर्ट हो चुका है। अगर से ये पूरा शॉर्ट नहीं है, हाफ शॉर्ट है, तो बीप आएगी प्लस क्या आएगा, कुछ ना कुछ आपको जीआर मतलब वैल्यू मिलेगा, समझ रहे आप। तो आपको पता कैसा चलेगा, डीसी मशीन में आप जैसे ही 4 वोल्ट इस लाइनों पे दोगे तो क्या ऑटो एम्पियर लेगा कि नहीं लेगा, लेगा सर, लेगा ना ऑटो एम्पियर, इससे पता चल जाता है आपको कि इस लाइन में शॉर्टिंग है। कभी भी ओके लाइन में आप डीसी से 4 वोल्ट की वीपीएच की लाइन है या वीबैट की लाइन है, कभी भी आप यहां पर 4 वोल्ट दो तो कभी भी यहां पर ऑटो एम्पियर नहीं लेगा आपको, ठीक है। कब लेगा, जब लाइन में कोई शॉर्टिंग है या लीकेज है तभी यहां पर आपका लेगा ऑटो एम्स, ठीक है। तो ये हमारा सीपीयू एमएमसी भी आप कूल टेस्टिंग कर ली है, कूल टेस्टिंग यहां से यहां तक जा रहे हो आप लोग, ये मेन बोर्ड में करना है आपको, वीपीएच भी मेन बोर्ड में चेक करना है और वीबैड भी मेन बोर्ड में करना है। सब बोर्ड को तो आपको हटा ही देना है, फ्लक्स भी निकाल देना है, कभी कभार वीपीएच और वीबैड सब बोर्ड में भी जाता है, तो कभी सब बोर्ड शॉर्ट रहता है तो आप जैसे ही सब बोर्ड का फ्लक्स लगाओगे तो मेन बोर्ड में शॉर्टिंग आ जाएगी, इसलिए नीचे का पत्ता हमेशा निकाल देना है, ठीक है। यहाँ लगाते ना आप लोग सर, अभी पावर पे वोल्टेज दे सकते हैं हाँ सर, अभी पावर पे वोल्टेज दे सकते हैं बोले क्या, इसके पीछे देखो यहाँ थोड़ा सा पीछे ये वाला वीपीएच लाइन है ना हमारी, ये वीपीएच हाँ, तो रोजन जब लगाओगे आप तो यहाँ पे इस साइड देना, इधर तो ग्राउंड रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप 4 वोल्ट दे करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में दोनों के बीच में कोई डायोड तो नहीं है ना प्रोटेक्शन के लिए, नहीं। तो बहुत बार क्या होता है ये चार्जिंग एसी से ये लाइन जब आती है तो कई बार क्या होता है ऐसे डायोड दे देता है बीच में प्रोटेक्शन के लिए, समझ रहे आप। तो हम यहाँ पे अगर वोल्टेज देंगे ना तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो यहाँ पे चेक कर लो, देखो अपने को यहाँ मालूम चल गया ना इसमें कहाँ कहाँ पे वीपीएच जा रहा है, तो नियर बाय आईसी के नजदीक दे लो ना आप क्या करना है, समझ रहे आप। अब इसमें जो लाइन शॉर्ट रहेगी तो क्या होता है, ये वोल्टेज की लाइन में जो कैप रहता है ये वाला कैप रहता है ग्राउंड के साथ कनेक्ट, दिख रहा है आपको। अगर इस लाइन में फॉर एग्जांपल शॉर्टिंग है आपकी तो पहले ये करंट यहां जाएगा ग्राउंड में, तो ग्राउंड में जैसे ही करंट जाएगा तो ये कैप सबसे पहले हीट होगा, तो 4 वोल्ट दोगे ना आप तो मिली सेकंड में सब हीट हो जाएगा, या आईसी भी हीट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कभी कभार शॉर्टिंग मालूम हो गया एरिया तो हम क्या करते हैं, पहले 2.5 वोल्ट देते हैं, देखते हैं गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद में क्या करते हैं 3.0 वोल्ट देते हैं, फिर देखते हैं 3.5 वोल्ट देकर चेक करते हैं, उसके बाद में लास्ट में तो आपके पास 4 वोल्ट देना ही है, समझ रहे आप। तो जितना कम वोल्टेज दोगे आप आहिस्ता आहिस्ता से गर्म होगा जो भी कैपेसिटर है या आईसी है, तो आप इसमें पकड़ सकते हैं कि क्या गर्म हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट 4 वोल्ट दे देगा धन बोल के गर्म हो जाएगा वो, फिर आपको समझ में आएगा कि पहले कैप शॉर्ट हुआ या आईसी शॉर्ट हुई। तो हम क्या करते हैं इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, देखो भाई जो लोग है ना ये मैसेज करके वेट करते, कॉल नहीं करते यार ग्रुप के अंदर, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कल भी बोला मैं डायरेक्ट, तो पढ़ाने के चक्कर में ऊपर देखता नहीं हूं मैं, ये लोग वेटिंग कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। यस सर।
आराम से समझ लीजिए, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करिए, 100% आपका फॉल्ट मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी है ही। ठीक है, कहां तक आ गए अपन? VPH और VBAT और नियर बाय CPU और नियर बाय UFS। अब VPH और VBAT हम कहां कहां पे देख रहे हैं, चार्जिंग एसी के पास भी चेक कर रहे हैं, और पावर में देखिए कितने बार जा रहा है, यहाँ शो पैड वैल्यू करेंगे तो सब में देखिए यहाँ पे VPH लिखा है, दिख रहा है आपको। अब होता क्या है, कभी पेस्टेड आईसी रहती या फिर आप जरा थोड़ा ज्यादा हिला देंगे ना, ये ग्राउंड के साथ ये बॉल सट जाएगा ना, तो VPH लाइन शॉर्ट हो जाती है आपकी। और जब आईसीओ के नीचे लाइन शॉर्ट हो जाती ना, तो तब आईसी ज्यादा गर्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। कभी कभार आप बाहर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप दो चार आईसी उठाकर भी देख सकते हैं। मेन आपका पावर आईसी और चार्जिंग आईसी और 4GPA 2GPA ये वाले लाइन्स में ज्यादातर इधर ही शॉर्टिंग आती है, चार्जिंग पावर 2GPA 4GPA। बहुत बार ये चार आईसीओ में ही आपको ज्यादातर शॉर्टिंग मिलेगा। और कभी कभार ऐसा इधर एक कैप लगाया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे कैप लगाए या फिर कहीं और एक कैप लगा देते ये लोग, इधर एक एलडीओ लगाया, दिख रहा है, यहाँ पे पानी चला जाता और ये एलडीओ का कैप काला पड़ जाता, शॉर्ट हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक आईसीआर पूरे आईसीआर उठा देते। अभी तो ये बाहर डला है, कई मरतबा इसके ऊपर भी शील्ड लगा देता है ऐसा कंपनी वाला। तो आपको चेक करना है पानी, मतलब यहाँ पे देखोगे तो समझ में आएगा कि VPH लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। एक बार बिट मैप में आप चेक लगा दिए तो इजिली मालूम हो जा रहा है, लेकिन जिसका बिट मैप नहीं रहता है, जिसका डायग्राम नहीं रहता है, उसको आंख से देख के ही आपको रिपेयर करना है कि भाई ये आईसीओ में जाता है, तो वैसे आपको देखना होगा। तो पानी को भी देखना है, वाटर डैमेज है या जैसे भी है, आपको चेक करना है शॉर्टिंग। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो कहां पर तक आ गए, ये हम कूल टेस्टिंग में चेक कर रहे हैं। अभी इतनी चीजें चेक करना ही है आपको। अब क्वालकॉम का जो सेट है, ये क्वालकॉम वाले हम सेट में चेक कर रहे हैं, हालांकि मीडियाटेक सैमसंग में भी ऐसे ही करना है, लेकिन आगे जाकर के चीजें और चेंज होती चले जाएगी। ठीक है, कूल टेस्टिंग फटाफट इतना कितनी देर में कर लोगे आप, बैटरी कनेक्टर VPH लाइन, चाहे पावर के पास करो चाहे आप चार्जिंग एसी के पास करो, फटाफट थोड़ी देर में चार्ज यहाँ पे ये चेकिंग हो जाती है। इसके बाद सीपीयू और MMC के बाद फटाफट फटाफट कैपेसिटर क्या करना है आपको, चेक करने हैं। ये सीपीयू है, ये MMC है, इतने सारे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कोई भी कैप शॉर्ट मिल रहा है क्या, इधर चेक कर लेना है। शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं है, ये चार्जिंग एसी चेक कर लिए, यहाँ पर भी नहीं है, 4GPA चेक कर लिए, यहाँ पे कैप कुछ दो साइड कैप रहेंगे, ये तो शील्ड लगी रहेगी। नेक्स्ट इस तरफ आएंगे पावर के साइड, पावर के पास फटाफट यहाँ पे चेक कर लिए, VPH लाइन भी चेक हो जाएगी, नियर बाय और कैप्स चेक कर लीजिए, ये हो गया। और यहाँ पे आ जाइए, इसके पास भी चेक कर लीजिए, एक डायोड कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी ये वाले कैप शॉर्ट हो जाते हैं शील्ड निकालने के चक्कर में, तो ये सारा चीज चेक कर लेना है। फटाफट चेक कर लिए, बस खत्म। VPH लाइन को आपको सारे जगह पे जाके चेक नहीं करना है, कहीं पे भी एक जगह पे चेक कर लीजिए, कोई भी एक कैप, इन सब में से कोई भी एक कैप चेक कर लीजिए, सारी लाइन चेक हो जाएगी। समझ गया, पूरी एक ही लाइन है ना, ये एक कैप चेक कर लो, खत्म हो गई बात। हमारा कूल टेस्टिंग का GR देख लेना है, क्या देखना है, GR VPH का GR यहाँ लिख लिया अपन ने 250, और दूसरे साइड क्या आना है OL या नहीं तो 1000 के ऊपर, इतना देख लिया, खत्म। ये हो गया हमारा कूल टेस्टिंग में। ठीक है, ये हम डेड मोबाइल में देख रहे हैं, तो इसमें पावर की चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मोबाइल को ऑन थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है, पावर की का भी देखना है तो 250 से लेकर 1600 तक आपको GR मिलता है। ठीक है, और वोल्टेज की बात करें 1 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट तक आपको देखने मिलेगा इसमें पावर की सप्लाई में। KYPD लिखा रहेगा आपको, या ऑन ऐसा लिखा रहेगा, कीपैड ऑन। तो ये हमारी पावर की सप्लाई है। ये अगर आपका चार्जिंग का लोगो शो हो रहा है, DC से कुछ एम्पियर नहीं ले रहा है, तब आपको पावर की चेक करना रहता। तो अभी तो हमारा मोबाइल डेड कंडीशन में है, तो पावर की चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम चेक कर लिए। अब इतना चेक करने के बाद अब हमारा सर वॉइस स्टक हो रहा है, सर आ रहा है आवाज अभी? अच्छा, इंटरनेट आपका वॉइस स्टक ब्रेक हो रहा है सर। हाँ, एक मिनट, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, दो मिनट।
वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। एक मिनट आ जाएगा, आ जाएगा।